नेक्स्ट नाइन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल अकरम। पवन खेड़ा कांग्रेस के बड़े कद्दावर प्रवक्ता माने जाते हैं और जिस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होते हैं और जिन कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर वो कहीं ना कहीं अपने विरोधियों को झुकने पर मजबूर करते थे, लेकिन अभी जो उन्होंने बयान दिया है, दरअसल उस बयान पर चर्चा करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सवाल पूछा और साथ ही भारतीय जनता पार्टी को जनता विरोधी सरकार भी बताया है और साथ ही ये भी कहा कि इस समय जिस तरीके से बीजेपी की सत्ता जो है वो केंद्र में बनी हुई है और किन वजहों से बनी हुई है ये भी समझना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अगर अभी तक देखा जाए तो 8-9 वर्षों से कहीं ना कहीं बेरोजगारी महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर के सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम जो वो नहीं उठाए गए। ये तमाम बातें उनके द्वारा कही गई है और साथ ही जो है उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि दरअसल जो है इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझनी पड़ेगी कि विपक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए बेहद जो है अहम होता है और लोकतंत्र को कहीं ना कहीं ख़त्म करने का आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है प्रयास किया जा रहा है केंद्र की सरकार के द्वारा, क्योंकि जो केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल लगातार विपक्ष के अलग अलग नेताओं पर किया जाए, चाहे वो किसी भी बड़े मामले पर हो, उसको लेकर के उन्होंने कटाक्ष किया। अब जरा सुनिए कि खुद जो है पवन खेड़ा किस तरीके से इन तमाम बातों को कह रहे हैं और बीजेपी पर किस तरीके से वो सवाल उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कबीरदास कहते थे कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए, ये आप पर बिल्कुल ठीक बैठती है बात। 9 साल आपने गंवा दिए इस देश के बुजुर्गों को, पूर्वजों को गाली देकर। 3-3 पीढ़ियों का अपमान करते हैं जब आप बोलते हो 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तब नहीं आपको देश की छवि की चिंता होती। संसद में खड़े होकर पीठ थपथपाते हैं अपनी, एक अकेला सब पर भारी, विश्व देख भी रहा होता है और हंस भी रहा होता है, तब नहीं चिंता होती आपको देश की छवि की। जब छुई मुई बनकर आप देश के मीडिया को लाल आंख दिखाते हो, विदेश के मीडिया पर रेड डालते हो, तब नहीं चिंता होती आपको देश की छवि की। दक्षिण कोरिया में जाकर कहते हो कि भारत में पैदा होना भी दुर्भाग्य माना जाता था, तब नहीं परेशान होते आप कि देश की छवि के साथ आप क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, लोकतंत्र पे हमले आप करते हैं तो इसलिए चर्चा उस पर होती है, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बच्चों के बीच में लोकतंत्र के सामने चुनौतियों पर अगर चर्चा हो रही हो तो लोकतंत्र को मजबूत करने की कवायद है। आपको नहीं समझ में आ रही है बात प्रधानमंत्री जी, कुछ गलत फहमियां आपने पाली हुई हैं अपने विषय में। आप सिर्फ एक प्रधानमंत्री हैं, आप भगवान नहीं हैं, आप सृष्टिकर्ता नहीं हैं, आपकी अनुमति से सूरज उगता नहीं है, आपके भय से चंद्रमा अस्त नहीं होता। ये गलत फहमियां अपने मन से निकाल लीजिए, और अगर आपको देश की छवि की ज्यादा चिंता है या अपनी छवि की बहुत ज्यादा चिंता है तो ये समझ लीजिए कि अगर बबूल बोओगे तो आम नहीं मिलेगा। तो आपने देखा पवन खेड़ा के इन शब्दों से जाहिर सी बात है कि 2024 की सियासत की कहीं ना कहीं तस्वीर जो बनती हुई नजर आती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार इस वक्त आप कह सकते हैं कि 24 को लेकर जो है तैयारियां शुरू कर चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा भी उसी का एक हिस्सा था और जाहिर सी बात है यात्रा सफल रही तो इसको लेकर कांग्रेस पार्टी और भी जो है बड़े कदम आगे उठाती हुई नजर आ सकती है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।